चाहे वहाँ राह है। शौक एक ऐसी चीज़ है जो हर हालत में जैसे पानी अपना रास्ता निकाल देता है। अभी समय अंधेरा हो चुका है, इधर देखा यह समय अंधेरा है, इस समय हमारे घर शाम को 6:30 बज रहे हैं, एकदम अंधेरा है। ठीक इसी हालत में पानी में घड़े ये देखिए आडोमास जो तन्ना जी ने भेजा था कि जब ये ख़त्म होने पर है, आडोमास छींट करके यहाँ मच्छर बहुत है। तब ये बिटिया जा रही थी, देखा भैया 2 मिनट के लिए मोबाइल पे खा दो जरा। तो इसी तरह हमने ये देखिए कैसे काटा है, ज़रा करीब से बताइए, इसको लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर, देखिए ये देखिए ये छेनी से तोड़ तोड़ के ताकि एक गमला एक अच्छा खासा बन गया। अभी एक आधे घंटे पौन घंटे हमको लगेंगे इसमें, फिर सीरियल देखेंगे, सीरियल के बाद फिर इसमें लगेंगे, फिर लाइव पर 9 बजे आएंगे बोलेंगे। तो हमारा मतलब कि इसको बोलते हैं लगन, शौक, पर्याय। और शौक क्या, ये कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। लाखों आदमी ऑक्सीजन के बिना मर गया वर्ल्ड में, कहीं कमो कहीं जा ऑक्सीजन के बिना, और इसके मर गए जो जिंदा है। क्या वो सोच रहे हैं ना बस इंजेक्शन लगवा दो? अरे इंजेक्शन के साथ साथ ये सोचो कि कोरोना आने ही ना पावे। और कोरोना आने का सिर्फ एक कारण है, क्या है, एक कारण है जो हम लोग पाप करते हैं। ये भारत आध्यात्मिक देश है, यहाँ पीपल, यहाँ पेड़ों वृक्षों नदियों की जीव जंतुओं की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, और हम लोग उल्टा उल्टा कर रहे हैं। नवरात्र लोग मना रहे हैं, आज दिन अभी का मंदिर जा रही हो बिटिया, सबसे बड़ा मंदिर जानते हो क्या, पशु अस्पताल चली जाओ, जो घर में चार घर में जाती है, जो भी कुछ सामान मिले बटोर बटा के उसको खिलाओ जाकर के, उसके पैर छुओ चली जाओ, और 3-4 महीने के बाद देखो कुछ तुमको दिखाई पड़ेगा। लेकिन मंदिर में क्या, वही मंदिर आरती पूजा प्रसाद, पूरी दुनिया उसी में लिप्त है। 99% जैसे तमाम लोग पी के बैठे हों भयंकर, और वहाँ एक अकेला आदमी उनको गंगोत्री के जल के बारे में बताता हो, वही हालत हमारी है, श्याम साधु की है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो जिनके पास ज्ञान है विवेक है, वो श्याम साधु को समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बाकी विनाश तो निश्चित है, तय मानिए विनाश होके रहेगा। कुत्ते की मौत लोग मारे जाओगे, कुत्ते की मौत कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ कि हम बिटिया को जाना है। यही देखिए यहाँ तक हमने 1 सेकेंड और किया, देखो धीरे 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 पानी डाल डाल के ये देखिए, ताकि ये पूरा गमले का काम करे। अब गमला खरीदने जाओ वो 50 का है, 500 का है, तो हम 500 का काम इसी का है ना कर लें हम। एक मिनट दिखाओ, देखिए इसी छेनी से धार लगा के कैसे हमने काट लिया है, आपको दिख रहा है इसके अंदर ये पूरी धारी दिख रही कटी हुई कि नहीं दिख रही, तो करीब से दिखा दो। दिख रहा हूँ, यह है ना पूरा कटा हुआ, देखिए यहाँ तक आ गए हैं, जरा सा बाकी है, ये हो जाए आपके सामने बस। ये देखा, ये अलग और ये अलग, ये देखिए। अब ये यहाँ से इसलिए तोड़ा है ताकि मटीरियल खाद पानी ज़्यादा आ। अब इसमें हम ये यहाँ अंदर सुराख करेंगे, पेंडी में बड़ा सा इतना बड़ा सुराख करेंगे, इतनी सी नहीं करके इतना खाद पानी भर के गेंदे का पेड़ खरीद कर आए हैं 15-15 रुपये का, वो दोनों को बैठा देंगे। तो अब ये आडोमास है भाई, तन्ना जी ने जो भेजा था, बहुत मच्छर है यहाँ बहुत मच्छर है ना, मुँह से बोलो हाँ, तब धीरे धीरे हिला रही, इतने मच्छर की बात ना पूछो। अब हमको मोबाइल दे दीजिए, अब हम आगे खाद पानी का दिखाएंगे, दिखाने अरे आपको बंद नहीं करना है क्या, बंद कर दिया, अच्छा भाई ठीक, हाँ बंद ना करना, हाँ बस ठीक चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर सब अंधेरे में जा करके अंधेरे में टटोल के यह खाद निकाल कर लाए, आप ये गोबर की पुरानी खाद जो है आप देख रहे हैं, ये देखो सब यह खाद सब लाए भर के। अब इसमें कंकड़ पत्थर वो चारेंगे सब करके, करने के बाद रात में ही पेड़ को लगा देंगे। अब देखिए चना भी मतलब सर में जितने बाल उतने काम है, ये देखिए ये चना देखिए आप देख रहे हैं, ये इसको भी उलटना, हमने सोचा चलो 1 घंटा और पानी में पड़ा रहेगा तो और अच्छा और बढ़िया हो जाएगा। यही हमारी लाइफ है, ये हमारी ज़िंदगी है। ठीक ये हमारा कमरा देखो सर, देख रहे हैं सर पड़ा इसे अस्त व्यस्त के, यही हमारा वही स्टूडियो है जहाँ से मैं बोलता हूँ, समझ गए। अब यहाँ सफाई, अरे सफाई के लिए किसी को भेजेंगे तो फिर
मतलब जौन चीन हमने जहाँ रखा वो कहाँ ऐसा रख दिया जाएगा, आज तक हमारा नेल कटर नहीं मिल सका है कि अब जन हाँ सिंगापुर से मंगाया था बड़ा नेल कटर, बड़े अच्छे टाइप का था। ठीक, यही हटाने बढ़ाने में हम कमरे को बंद करते हैं, किसी को नहीं जाने देते, न बेटी को न श्रीमती जी रहे उनको भी नहीं जाने देते रहे। ये है भाई मजबूरी है हमारी, हम क्या करें, हमको मालूम कौन सामान कहाँ रखा है, अब अकेले हमको सारा काम देखिए सारे औजार उजार सब लोहा लक्कड़, अब नारियल फाड़ना है तो औजार रखे हैं, ये सब देखो औजार वहाँ सब औजार रखे हैं, अकेले सब जो है अकेले खेलो। एक मोबाइल भी बनाना था तो बिटिया जो पड़ोस में रहती है उसको बुला के लाए, अब देखिए धीरे धीरे काट करके कितना सुंदर। भाई काटने को तो हम यहाँ से काटना बहुत आसान है, लेकिन वो बात नहीं रह जाती है, इसके अंदर मटीरियल मतलब खाद पानी जो है काफ़ी आवेगा। भाई पेड़ को जितने गहरान में जल मिल जाए उतने अच्छा हो उसके लिए। तो अब देखिए रोटी दिन में बंदरों ने रोटी गिरा दिया था, वो रोटी देखिए अभी तक पड़ी है, देख रहे हैं ये रोटी पड़ी है, देखो ये देखो सब, अब सुबह उठाएंगे तो बिनेंगे भरेंगे। अरे सब सर में जत्ते बाल उत्ते काम, आज दशहरा टाइम्स वाले लखनऊ से मिले और लखनऊ में आजकल उनका अखबार निकलता है, रोज दैनिक निकल रहा है उनका, और बड़ी मेहनत किया और बड़े निर्भीक रहे हमेशा, आवाज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लालगंज कस्बे के रहने वाले। और तो आज काफ़ी देर बातचीत हुई, 11 बजे फिर बात होगी, हमने कहा महाराज जब आप ही ने सब कुछ लिखा था, जब आज हमारा विमान अंतरिक्ष में जा रहा है तब आपका पता नहीं कहाँ है आप, कह नहीं हम रायबली आएंगे मुलाकात करेंगे आकर के। राजेश त्रिवेदी खूब फेसबुक पर देखिए छाए हुए हैं एकदम, ठीक रात का समय अंधेरे में आप देख रहे होंगे सब, कितना अंधेरा है बहुत अंधेरा है भाई, पेड़ भी नहीं अंधेरे में दिख रहा, थोड़ा बहुत अंधेरे में भाई पेड़ के फल चमक रहे हैं सब, ये देखिए करीब से बनाओ पसंद ऐसा अंधेरा क्यों बनाता है, इसमें लाइट चमक नहीं होती है, इसने बनाया है यहाँ, ये तो खर गई बिजली, चलिए साहब बिजली अपने आप चली गई, इसको इन्वर्टर से आप देख रहे हैं, और सिया का राम आने वाला है, रखते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री